हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टार्ट किया एमसीक्यू सीरीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके नेक्स्ट पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग, मींस द ड्रग विच यूज्ड अगेंस्ट द पार्किंसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी वेल एक्सप्लेनेशंस के साथ में आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं इस सीरीज में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव All of the following pairs are correct except options have peripheral decarboxylase inhibitor benzerazid, MAO inhibitor chlorgalidin, COMT inhibitor entacapone and dopamine facilitation amantadine। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको एक्सेप्ट लगा हुआ है। कभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जरूर आप ध्यान रखिए क्वेश्चंस में, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं नॉट एक्सेप्ट लग जाते हैं और हमारे पूरे क्वेश्चंस की मीनिंग बदल देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहां पे आपसे क्वेश्चंस है पार्किंसन में, जो हमारे क्लासिफिकेशन है उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पुट अप किया गया है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। क्या हमारी बेंसेराजिड पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होती है? जी हाँ, दो ड्रग हमारी होती हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। पहली हमारी होती है कार्बिडोपा और दूसरी हमारी होती है बेंसेराजिड, मींस पहला ऑप्शन तो सही है। MAO बी इनहिबिटर, जी हाँ, MAO बी इनहिबिटर हमारी क्या होती है? क्लोरगाइलिन। क्लोरगाइलिन हमारी MAO बी इनहिबिटर होती है। क्या MAO बी इनहिबिटर होती है? जी नहीं, MAO बी इनहिबिटर हमारी जो होती है वो हमारी होती है सेलेजेलिन एंड रेसेजेलिन, वाइल MAO ए इनहिबिटर होती है हमारी क्लोरगाइलिन। तो यहां पे ये ऑप्शंस आपको इनकरेक्ट मिल रहा है। COMT इनहिबिटर हमारी दो ड्रग होती है इंटेलकापोन एंड टेलकापोन, तो यहां पे ये ऑप्शंस भी हमारा सही आ रहा है। डोपामिन फैसिलिटेटर, जी हाँ, डोपामिन फैसिलिटेटर हमारी एंटीवायरल ड्रग होती है, दैट इज द एमेंटाडिन। तो यहां पे आपको ऑप्शंस पे आपको बी ऑप्शन जो है वो आपको इनकरेक्ट है, दैट इज MAO बी इनहिबिटर इज सेलेजेलिन रेसेजेलिन नॉट द क्लोरगाइलिन, क्योंकि क्लोरगाइलिन हमारी सेलेक्टिव MAO ए इनहिबिटर होती है। ये तो हमारा हुआ क्वेश्चंस के बेसिस पे। लेकिन अब बात हुई हमारी पार्किंसन की, तो पार्किंसन क्या है, कौन कौन सी ड्रग उसमें हमारी आती है, क्या ट्रीटमेंट उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, तो उनको पहले एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द पार्किंसन। तो पार्किंसन इज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। पार्किंसन हमारा क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रिमर, हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड पॉस्चुरल इनस्टेबिलिटी। ये हमारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जो हमारे पार्किंसन में होते हैं। अब बात आती है पार्किंसन है क्या, पार्किंसन में होता क्या है। तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा एक पॉइंट, पार्किंसन इज अ मेजर डिजीज और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम इन विच द डोपामिन, क्या ध्यान दीजिएगा, डोपामिन, जी हाँ, द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द सब्सटेंशिया नाइग्रोस्टेटल पाथवे। जी हाँ, सब्सटेंशिया नाइग्रोस्टेटल पाथवे इन द हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रोस्टेटल ट्रैक्ट होती है उसमें डोपामिन का हमारा कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो यहीं पे हमने पॉइंट आउट किया पार्किंसन इज न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजिडिटी, हाइपरकाइनेसिया, एकेस्थीसिया और पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, ये डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो कैसे उनको याद करें, सिंपल एक ट्रिक अप्लाई करिए यहां पे आप, ट्रैप। क्या यूज करेंगे? ट्रैप। पार्किंसन में ट्रैप होता है। ट्रैप क्या हुआ? ट्रिमर। जी हाँ, ट्रिमर हमारा होता है। ट्रिमर का मतलब क्या हुआ? शेकिंग, shaking of the body, usually on the one side of the body, but it can be on the both side of the body. So that is the tremor. Next हमारा क्या होता है? Rigidity. Rigidity का मतलब क्या हुआ? Stiffness of the limb, neck or trunk. जो हमारा neck or trunk, जो above portion हमारा होता है, यहाँ पे stiffness हो जाती है. Means हमारा जैसे suppose हमारी गर्दन है, easily move कर रही है, ये move नहीं होती है, stiffness यहाँ पे हो जाती है, rigidity cause होती है. Akinesia, loss of impairment of the power voluntary movement. अगर मैं ये हाथ को movement कर रहा हूँ, voluntary movement है मेरा, इसमें क्या होता है? Loss of impairment of involuntary movement होता है, that is the akinesia. And postural इन इम्बैलेंस, जी हाँ, मैं अगर बराबर खड़ा हूं तो किस वजह से खड़ा हूं, क्योंकि मेरा पॉस्चुरल बैलेंस ठीक है, लेकिन अगर मेरा पॉस्चुरल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो मैं इजिली स्टैंड अप नहीं हो पाऊंगा। तो ये हमारे डिफरेंट फीचर्स है दैट और सिम्टम्स है जो हमारे पार्किंसन में होते हैं। अब बात आती है, अगर आप यहां पे इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए, दिस लेडी हैव द पार्किंसन, इट कैन नॉट वॉक इजली, इट कैन नॉट मूव और इट कैन नॉट वॉलेंट्री मूव देयर मसल्स। तो ये सारी चीजें हमारी सिम्टम्स होती हैं पार्किंसन की। तो बात आई पार्किंसन हुआ क्यों, थोड़ा सा उसको मैं डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से फिजियोलॉजी में, पैथोफिजियोलॉजी में क्लियर करता हूं। मेजर पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द पार्किंसन इज द डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। जी हां, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हमारी होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। लेकिन कहां, अगर एक थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊं, हमारा जो डोपामिन का ब्रेन में पाथवे होता है, तीन पाथवे होता है। फर्स्ट हमारा पाथवे होता है क्या, मेसोकॉर्टिकल, मेसोलिम्बिक
एंड थर्ड हमारा होता है नाइग्रोस्टेटल, ये तीन हमारे डिफरेंट पाथवे होते हैं। तो पार्किंसन का केवल और केवल कोरिलेशन आपको कहां से मिलेगा, सब्सटेंशिया नाइग्रोस्टेटल पाथवे। ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रोस्टेटल पाथवे में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, और ये हमारा कहां होता है, बेसल गैंग्लिया में होता है। अब इस डिजनरेशन की वजह से क्या होंगे, हमारा जो डोपामिन का लेवल है, डोपामिन लेवल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डोपामिन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड डोपामिन एंड एस्टाइलकोलिन ऑलवेज इन द बैलेंस पोजीशन। तो अगर आपका डोपामिन लेवल डिक्रीज हुआ, जैसे एक तराजू समझिए, एक तराजू है, तराजू में जैसे आपका एक चीज अगर हल्का हुआ तो तुरंत उठ जाएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो डोपामिन डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो हमको इसको यहां से यहां तक लेके आना है, मतलब डोपामिन को रिड्यूस कराना है और एस्टाइलकोलिन को, डोपामिन इंक्रीज कराना है और एस्टाइलकोलिन को हमको क्या कराना है, डिक्रीज कराना है। चलिए इस डायग्राम में समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। हियर इज द सिंथेसिस ऑफ द डोपामिन। डोपामिन की सिंथेसिस कैसे होती है, टायरोसिन हमारा अमीनो एसिड्स आता है, टायरोसिन हमारा क्या, फिनॉल कंटेनिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है। यहाँ पे फिनॉल ग्रुप आपको प्रेजेंट होगा, फिनॉल टायरोसिन से हमारा बनेगा लिवोडोपा, लिवोडोपा बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और बनेगा लिवोडोपा, लिवोडोपा से हमारा बनेगा बाय द एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे हमारा बनेगा डोपामिन। एक्चुअली ये पूरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे बनेगा डोपामिन, और यही डोपामिन हमारा फर्दर क्या होगा, वेसिकल्स में जाएगा, वेसिकल्स में जब नीड होगी रिलीज होगा, और अपने दो रिसेप्टर्स D1 और D2, जी हाँ, डोपामिन 1 डोपामिन 2, D1 D2 रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट होंगे, उनको ये हमारा डोपामिन अपना काम करेगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी ये होती है। लेकिन अब मैंने आपसे क्या बोला, इन द पार्किंसन दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, व्हेन एवरीथिंग इज ओके, डोपामिन एंड एस्टाइलकोलिन आर इन द बैलेंस पोजीशन। बट आपने बोला डोपामिन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, ध्यान दीजिएगा, डोपामिन लो हुआ ऑटोमेटिकली उसका पलड़ा हल्का हो जाएगा, एस्टाइलकोलिन हाई हो जाएगा। हमको क्या करना है, डोपामिन को क्या करें, लो हुआ है तो उसको इंक्रीज कर दें, और एस्टाइलकोलिन ज्यादा हुआ है तो उसको क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। हमें उसको फिर से बैलेंस पे लेके आना है बाय द इंक्रीजिंग डोपामिन इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एंड डिक्रीजिंग कोलिनर्जिक ड्रग। जो हमारा कोलिनर्जिक लेवल है उसको डिक्रीज करना है बाय द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के थ्रू, हम उसको कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, पार्किंसन है क्या, सिम्टम्स कौन कौन से हुए, पैथोफिजियोलॉजी इसमें हमारी क्या रोल प्ले की, सारी चीजें क्लियर। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो इन्हीं इसी दो मेथड पे कौन सी ड्रग हमारी डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगी और कौन सी ड्रग हमारी एस्टाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज करेगी, इसी पे पूरे इसका क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम बात करेंगे ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जी हां, जो हमारे ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगी, उन ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट डोपामिन प्रिकर्सर लिवोडोपा, डोपामिन प्रिकर्सर लिवोडोपा। क्वेश्चन ये आता है कि हम डोपामिन अगर हमारा डिक्रीज हुआ तो हम डोपामिन ही डायरेक्टली क्यों नहीं दे रहे हैं, बात समझ लीजिएगा, बिकॉज डोपामिन कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी, डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है, इस वजह से हम डायरेक्टली डोपामिन नहीं देंगे। हम क्या देंगे, डोपामिन का प्रिकर्सर, डोपामिन का प्रिकर्सर हमारा क्या हुआ, लिवोडोपा। नेक्स्ट डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं लेकिन डोपामिन के एगोनिस्ट दे सकते हैं, लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, रोपिनिरोल एंड प्रामिपेक्सोल। ये हमारी वो ड्रग होंगी जो डोपामिन रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली काम करके अपना एक्शंस प्रोड्यूस कर सकती हैं। डोपामिन फैसिलिटेटर हमने बात किया एमेंटाडिन, एमेंटाडिन खुद एक एंटीवायरल ड्रग है, कई बार क्वेश्चन खुद पूछा जा चुका है विच एंटीवायरल ड्रग यूज इन केस ऑफ द पार्किंसन, आपका राइट आंसर वहां पे क्या होगा, एमेंटाडिन होना चाहिए। नेक्स्ट पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, मैंने दो ड्रग की बात किया कार्बिडोपा एंड बेंसेराज़ेल, ये दो ड्रग हमारी होती है जो पेरीफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता है पेरिफेरली। ओके, नेक्स्ट माओ बी इनहिबिटर सेलेजेलिन एंड रसेजेलिन, दीज आर द माओ बी इनहिबिटर। सीओएमटी इनहिबिटर इंटेकापोन एंड टोलकापोन, दीज आर द सीओएमटी इनहिबिटर। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, माओ बी मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम इनहिबिटर, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग विच एक्टिंग ऑन द डोपामिनर्जिक सिस्टम। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम पे हमारी कौन कौन सी ड्रग काम करती हैं, तो कोलिनर्जिक सिस्टम पे हमारी ड्रग काम करती हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, क्योंकि हमारा कहां से रिलेशन है, ब्रेन से है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ही यहां काम करेंगी, आपकी पेरिफेरल वाली ड्रग काम नहीं करेंगी। ओके, लाइक बेंजोट्रोपिन, बेंजेक्सॉल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन, ट्राइहेक्सोफिनिडिल एंड प्रोसाइक्लिडिन, दीज आर द सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। साथ में हम कुछ एंटी स्टैमिनिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करेंगे, आपने एंटी स्टैमिनिक ड्रग पढ़ा है और वहां पे हमने पढ़ा है इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्या, M1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके सेडेशन प्रोड्यूस करती है एंटी स्टैमिनिक में, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, तो यहां पे उसको करेक्ट कर लीजिए। ऑर्फिनेड्रिन एंड प्रोमेथाजिन आर यूज्ड एज द एंटी स्टैमिनिक इन केस ऑफ द पार्किंसन, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। बच्चे लोग क्या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है, आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस वाइज आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ट्रू अबाउट एंटी पार्किंसन ड्रग लिवोडोपा. लिवोडोपा के बारे में कौन सा पॉइंट सही है? अभी हमने बात किया लिवोडोपा हमारी क्या है, डोपामिन प्रिकर्सर एगोनिस्ट एजेंट होती है और वो हमारे दी जाती है ताकि, क्योंकि लिवोडोपा का ट्रिपल बी क्रॉस करने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डोपामिन, क्योंकि डोपामिन की होती ही नहीं है बट लिवोडोपा कैन क्रॉस द ट्रिपल बी. चलिए बात करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग लिवोडोपा के बारे में कौन सा पॉइंट सही है. फर्स्ट ऑप्शन वी हैव लिवोडोपा इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोपामिन. जी हाँ, लिवोडोपा इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोपामिन. जी नहीं, डोपामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, लिवोडोपा का एक्टिव मेटाबोलाइट है डोपामिन. मतलब लिवोडोपा हमारी प्रो ड्रग है और डोपामिन एक्टिव ड्रग है. यहां आंसर क्या दे रहा है, लिवोडोपा इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोपामिन. मतलब डोपामिन प्रो ड्रग हुई और लिवोडोपा एक्टिव हुई, क्या ऐसा है क्या? नहीं ना, ठीक है, ये नहीं सही. अबाउट 50% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा इज पेरिफेरली कन्वर्टेड टू कार्बिडोपा. जी नहीं, एक्चुअली जैसे ही आप लिवोडोपा देते हो ना तो लगभग 98-99% हमारी लिवोडोपा मेटाबोलाइज्ड हो जाती है बाय द एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. तो 50% जैसा यहां कोई भी ऑप्शन नहीं लगेगा. ओके, अबाउट 1-2% ऑफ द एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा क्रॉस ट्रिपल बी. जी हाँ, हमने क्या बात किया, 98-99% हमारी ड्रग जो होती है वो पेरिफेरली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है. ओनली 1-2% होती है जो ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाती है अगर कभी लिवोडोपा इंडिविजुअली दी गई तो. ठीक है, लिवोडोपा हैज नो रोल इन हेपेटिक कोमा. जी नहीं, इसका हेपेटिक कोमा में रियल रोल होता है. तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है. कैसे है, थोड़ा सा लिवोडोपा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर वी हैव द लिवोडोपा, डोपामिन प्रिकर्सर हमारी लिवोडोपा. लिवोडोपा क्या होती है, लिवोडोपा इज द मेन ड्रग फॉर द पार्किंसन. अगर कभी आपसे पूछा जाए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी, तो एक्जैक्टली हमारा राइट ऑप्शन होगा डोपामिन प्रिकर्सर. लिवोडोपा इज द मेन ड्रग फॉर द पार्किंसन एंड लिवोडोपा इज द प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन. डोपामिन का प्रोड्रग होती है लिवोडोपामिन जो हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है, जबकि डोपामिन डज नॉट क्रॉस ट्रिपल बी. डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकती है. ओके, लिवोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय द डोपा डिकार्बोक्सिलेज. डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम हमारा होता है जो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है, इवन सेंट्रली भी होता है, लेकिन पेरिफेरली में अगर कन्वर्जन हो गया, बात समझ लीजिए हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरली में अगर डोपामिन में कन्वर्जन हो गया लिवोडोपा का तो डोपामिन फिर से क्रॉस नहीं कर पाएगी, बात वहीं की वहीं रह जाएगी. इसलिए पेरिफेरल हमें जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करना होता है, जो आगे चल के हम बात करेंगे. Therefore, levodopa is always given in combination with peripheral dopa decarboxylase inhibitor like carbidopa and benzerazide. जी हाँ, जो peripherally inhibition metabolism होता है उसी को inhibit करने के लिए हम carbidopa या benzerazide drug को साथ में add करते हैं. कैसे, इस थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे लिवोडोपा दी जाती है और हमारी सारी जो हमने क्लासिफिकेशन अभी ड्रग की पड़ी वो कहां कहां काम करती है. ओके, हियर वी हैव द लिवोडोपा. हमने क्या दिया पेशेंट को, लिवोडोपा हमने दिया. लिवोडोपा देंगे तो हमारा पेरिफेरली एंजाइम प्रेजेंट है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ये पेरिफेरली हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है वो उसको मेटाबोलाइज करके डोपामिन बना देगा. आपने बात किया कि डोपामिन हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकती है तो इसका कोई रोल भी हमारा नहीं है. मतलब हमको इस पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करने पड़ेगा, जिसके लिए हम देंगे कार्बिडोपा और बेंसेराजेड ड्रग देंगे. नेक्स्ट, हमारी जो लिवोडोपा है पेरिफेरली ही यहां पे इनहिबिशन सीओएमटी एंजाइम भी पाया जाता है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम भी पाया जाता है और ये हमारा कन्वर्ट करके लिवोडोपा क्या बना देता है, 3-oxymethyldopamine, 3-oxy या 3-O-methyldopamine जो हमारे लिए इनएक्टिव हो जाता है. तो हमको इस सीओएमटी को भी इनहिबिट करना है और उसके लिए क्या देंगे, टैल्कापोन इंटैकापोन यानी सीओएमटी इनहिबिटर ड्रग देंगे. अगर हमने इन दोनों से बचा लिया अब हमारी लिवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगी. लिवोडोपा हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस कर गई, क्रॉस करने के बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में हमारी आ गई लिवोडोपा. अब यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है डीडीसी ये भी इसको कन्वर्ट करके डोपामिन बनाएगा, लेकिन अब यहां पे हमें इनहिबिट करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि डोपामिन हमारे टारगेट पे आ चुका है तो अब उसको इनहिबिट करने की, इस एंजाइम को इनहिबिट करने की हमको जरूरत नहीं है. और जितनी भी हमारी पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ड्रग होती है लाइक कार्बिडोपा एंड बेंजराजिड वो केवल और केवल पेरिफेरली काम करती है, सेंट्रली उनका कोई भी रोल नहीं होता बिकॉज दे ऑल्सो कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी. ओके, अब यहां पे भी हमारी एंजाइम प्रेजेंट है सीओएमटी जो मेटाबोलाइज करके बना देंगे 3-O-methyl डोपामिन, तो यहां पे भी ये मेटाबॉलिज्म हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम यहां पे देंगे टोल्कापोन. एक पॉइंट यहां ध्यान दीजिए, टोल्कापोन इंटैकापोन ये दोनों ड्रग हमारी पेरिफेरली काम करती है लेकिन सेंट्रली की बात आती है तो इंटैकापोन सेंट्रली काम नहीं करती है, केवल और केवल टोल्कापोन ड्रग काम करती है. ओके, अब हमारा बन गया डोपामिन. ये डोपामिन हमारा क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन करेगा. साथ में जो हमने बात किया था कि हमारे डोपामिन एगोनिस्ट होती हैं वो हमारे कौन से हैं, प्रोमिपेक्सोल, रोपिनिरोल
ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, दीज आर द ड्रग जो हमारे डायरेक्टली डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम कर सकती हैं। लेकिन साथ में ही ये जो हमारा डोपामिन है, ये डोपामिन आप चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको हमने यहाँ पे डिनोट करने के लिए नेक्स्ट डाउन किया है, ये डोपामिन जो बनेगा इसको हमारे COMT और साथ में MAO B एंजाइम दोनों इनहिबिट कर देंगे। तो अगर हमको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ डोपामिन बढ़ाना है तो इन दोनों एंजाइम्स को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो COMT इनहिबिट करने के लिए सेंट्रली क्या देंगे, ओनली टोलकापोन। MAO B को इनहिबिट करने के लिए हम क्या देंगे, सेलेजेलिन एंड रेसेजेलिन ड्रग, ये हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे डोपामिन का मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो और मैक्सिमम रिसेप्टर के थ्रू काम करके वो पार्किंसंस का ट्रीटमेंट कर सके। आप सिंपल इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपने लगभग सारी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सिस्टम पे काम करने वाली सारी ड्रग का क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन एक साथ आपने कवर अप कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको माइंड में हो गई होंगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ये लिवोडोपा है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है, CNS पे हमारा इसका इफेक्ट आएगा एंटी पार्किंसन, यानी पार्किंसन के जो जो सिम्टम्स थे उनको सबको रिड्यूस करेगी, लाइक हाइपोकाइनेसिया एंड रिजिडिटी, ये दोनों प्रॉब्लम्स थी ये रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड लेटर हमारे जो ट्रिमर्स आ रहे थे वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। CVS पे बात करें, अब जितना डोपामिन बढ़ेगा, मेरी बात समझिएगा, डोपामिन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा वो हार्ट पे काम करेगा और हार्ट पे काम करेगा नॉरएड्रेनालिन, क्योंकि नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन से ही हमारा क्या बनेगा, नॉरएड्रेनालिन बनेगा, हमने ANS में पढ़ा हुआ है। अब जितना ज्यादा ANS हमारा नॉरएड्रेनालिन बनेगा वो अपने रिसेप्टर β1 पे काम करेगा और β1 हमारा प्रेजेंट है हार्ट पे तो क्या लीड्स करेगा, टैकीकार्डिया। जी हाँ, causes tachycardia by acting on the adrenergic receptors by the CTZ. जी हाँ, CTZ center में भी हमारे D2 receptor present होते हैं और जो क्या करते हैं, nausea and vomiting induce करते हैं, means illicit nausea and vomiting. Endocrine system की बात करें तो dopamine act on the pituitary glands. जी हाँ, pituitary glands हमारी होती हैं, वहाँ पे दो सेल्स पे काम करती है, फर्स्ट हमारा लैक्टोट्रॉप्स और दूसरी हमारी होती क्या है, सोमेटोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स एंड सोमेटोट्रॉप्स इन दोनों पे इनहिबिट काम करती है, लैक्टोट्रॉप्स को इनहिबिट करती है जिससे प्रोलैक्टिन का रिलीज डिक्रीज होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी मैमोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, मैमोट्रॉप्स बोलते हैं, टू इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज, एंड ऑन द सोमेटोट्रॉप्स इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है, मतलब लैक्टोट्रॉप सेल्स पे वो इनहिबिटरी एक्ट प्रोड्यूस कर रही है जिससे प्रोलैक्टिन का लेवल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, वाइल सोमेटोट्रॉप्स पे इंड्यूस कर रही है और ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा एक बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या डिसएडवांटेज होता है जो आपको ध्यान देके चलना है जब भी पार्किंसन के ट्रीटमेंट की बात करें। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, लिवोडोपा अंडरगोज द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस ड्रग में होता है। एंड जो हमारा ये पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये GI में, गोजा में भी प्रेजेंट है, लीवर में भी प्रेजेंट है, तो हर जगह इसका क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, इसलिए इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ज्यादा होता है। द प्लाज्मा टी हाफ ऑफ लिवोडोपा इज 1 to 2 hours, 1 to 2 hours इसका प्लाज्मा टी हाफ होता है और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है मेनली यूरिन में होता है एंड मैक्सिमम जो होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस से हमारा ये एलिमिनेट होता है, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द लिवोडोपा। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, लिवोडोपा है वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो आपके क्वेश्चन वाइज बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द ऑन ऑफ फिनोमेना, ऑन ऑफ फिनोमेना, ये क्या होता है ऑन ऑफ फिनोमेना, एक बेसिक चीज समझ लीजिए। ऑन ऑफ फिनोमेना बोलते हैं, सपोज व्हेन, एक एग्जांपल समझिए, आप स्विच होती है, स्विच को आपने ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, अब क्या होता है, सेम चीज यहां होता है, मींस जब आप पार्किंसन में लॉन्ग टाइम के लिए, आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने पार्किंसन में लिवोडोपा का यूज किया, जब लिवोडोपा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि लिवोडोपा का एक्शन हो रहा है और कभी लगेगा एक्शन नहीं हो रहा, जब एक्शन हो रहा है तो एंटी पार्किंसन इफेक्ट मिलेगा, जब नहीं हो रहा है तो एंटी पार्किंसन इफेक्ट नहीं मिलेगा, यही हमारा क्या होता है ऑन ऑफ फिनोमेना। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 2 to 3 years ऑफ थेरेपी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ग्रेजुअली डिक्रीजिंग being wear off, ये हमारा क्या होता है wear off हो जाता है, that is the motor symptoms begins to appear, this on off phenomena is probably a reflection of the progression of the disorder, जितना ज्यादा हमारा disorder बढ़ता चला जाएगा वो on off phenomena कहलाएगा। मतलब से simple कुछ ऐसा समझिए कि जैसे आपने लो डोज में ड्रग यूज किया और लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज करते चले गए तो एक टाइम आएगा कि कभी आपका ड्रग एक्ट करेगा कभी नहीं एक्ट करेगा, एक्ट किया तो ऑन, ऑफ नहीं एक्ट किया तो ऑफ, ये हमारी होती है ऑन ऑफ फिनोमेना। बाकी अदर एडवर्स इफेक्ट की बात करूं तो CTZ सेंटर पे काम कर रही है तो नाउजिया एंड वोमिटिंग होगा, D1 स्टिमुलेट कर रही है
postural hypotension होगा, B1 हमारा beta 1 receptor से stimulate हो रहा है जिसकी वजह से tachycardia हो रहा है यानी arrhythmia हो रहा है, alpha 1 stimulation से hypertension, alpha 1 stimulation से mydriasis, ध्यान दीजिएगा इसीलिए इस mydriasis का हमारा बहुत बड़ा important होता है, contraindicated in acute angle closure glaucoma, मतलब अगर किसी patients को acute closure angle glaucoma है उस case में हम कभी भी levodopa use नहीं करेंगे because levodopa will cause the mydriasis that will be contraindicated in that situations. Okay, increase if activity of the dopamine dyskinesia and increase dopamine. अब dopamine का देखिए, अगर dopamine decrease हुआ तो Parkinson, dopamine increase हुआ तो psychosis. तो कभी भी dopamine के level को हमें normal level से बढ़ाना भी नहीं है, because when the dopamine level increases that will leads to the psychotic symptoms. यहाँ पे psychotic symptoms भी produce होंगे, that's why this is very important to control the dopamine level in the brain. These are the different, all the details about the levodopa. I hope ये सारे points आपको clear हो गए होंगे. The third question here we have, levodopa is contraindicated in options, hypertension, multiple sclerosis, pheochromocytoma, angle closure glaucoma. आपसे सिंपल ये है, लिवोडोपा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, किस किस केस में लिवोडोपा हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. देखिए हाइपरटेंशन में यूज नहीं होती, बात की बात हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है क्योंकि वहां डोज रिड्यूस करके या कार्बिडोपा अगर हमने साथ में दे दिया तो कार्बिडोपा साथ में देने से हो सकता है कि लिवोडोपा का डोपामिन में कन्वर्जन नहीं होगा और उसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन नहीं होगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका कहीं से कोई रोल है ही नहीं है हमारे लिवोडोपा का. बट इन द एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा this levodopa is completely contraindicated, so here right option will be the D, that is the contraindicated in angle closure glaucoma. अभी हमने बात किया था उसको आप देखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा. Next question number 4, which of the following agent enhances the bioavailability of levodopa, levodopa की bioavailability कौन सी drug बढ़ाती है. Options we have, it is specific antagonist of the benzodiazepine, जो हमारी levodopa के बारे में बात हो रही है, क्या ये antagonist है benzodiazepine का, रोपिनिरोल, क्या रोपिनिरोल बढ़ाती है, इंटेकापोन बढ़ाती है और सेलेजिलिन बढ़ाती है. आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी ड्रग हमारी ऐसी है विच इनहांस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द लिवोडोपा, लिवोडोपा की बायोअवेलेबिलिटी कौन सी ड्रग बढ़ाती है. एक्चुअली लिवोडोपा की बायोअवेलेबिलिटी की बात आती है तो हमें एक ही तुरंत याद आता है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर यानी कार्बिडोपा याद आता है, बट यहाँ ऑप्शन में तो कार्बिडोपा है ही नहीं, अब कौन सी ड्रग काम करेगी. ध्यान दीजिएगा, पेरिफेरली हमारे दो एंजाइम काम करते हैं, एक हमारा काम करता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज और दूसरा हमारा काम करता है कौन सा, COMT, जी हाँ, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज. तो अगर हम उसको भी इनिबिट करेंगे तो भी तो हमारा पेरिफेरली इसका इनिबिशन मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो हियर राइट ऑप्शन विल बी द इंटेकापोन. कैसे, इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. COMT इनिबिटर मींस इंटेकापोन एंड टोलकापोन, ये दोनों ड्रग हमारी क्या होती हैं, COMT इनिबिटर होती हैं. व्हेन पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेशंस ऑफ लिवोडोपा इज ब्लॉक्ड बाय द कार्बिडोपा बेंजोडाजेपिन, इट इज मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय द COMT. मतलब हमने अगर सपोज कार्बिडोपा दिया, बात समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लिवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ में क्यों दिया जाता है, टू इनहांस द बायोअवेलेबिलिटी, एक ही लाइन का आंसर होता है. क्वेश्चन आया कि चलिए हमने कार्बिडोपा तो दे दिया, हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो गया पेरिफेरली, तो लिवोडोपा अब तो एब्जॉर्ब हो जाना, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाना पाइए, लेकिन जितना ज्यादा लिवोडोपा हमारा पेरिफेरली होगा COMT भी उतना ज्यादा काम करेगा, इसलिए हमको COMT भी इनहिबिट करना पड़ेगा बिकॉज लिवोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय द COMT आल्सो इनटू द 3-O-methyl डोपामिन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहिबिट दिस एंजाइम. तो COMT डिग्रेड्स द लिवोडोपा इन ब्रेन एज वेल एज पेरिफेरली, दोनों जगह इनहिबिट करता है. COMT हमारा सेंट्रली भी पाया जाता है, पेरिफेरली भी पाया जाता है, और दोनों जगह हमें इसको इनहिबिट करना होता है. इंटेकापोन ओनली इनहिबिट पेरिफेरली, व्हाइल टोलकापोन इनहिबिट सेंट्रली एंड पेरिफेरली, बोथ प्रिजर्व लिवोडोपा इन ब्रेन आल्सो. टोलकापोन इनहिबिट बोथ पेरिफेरली एंड सेंट्रल COMT, while entecapone inhibits peripheral COMT only. Tolcapone is more potent and longer acting than entecapone, but बात आती है कि वहां तो हमें सिर्फ टोलकापोन ही यूज करना चाहिए क्योंकि हमें सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, बट टोलकापोन preferred, not preferred because of the hepatotoxicity. जी हाँ, हमारा जो ये टोलकापोन है, टोलकापोन में hepatotoxicity होती है, इसलिए इस ड्रग का ज्यादा यूज नहीं होता है. क्लियर, ये हमारे पॉइंट्स हो गए. एक डायग्राम से थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले ले जो भी हमने डिस्कस किया. देखिए सिर्फ मैं एक चीज बात करता हूं, लिवोडोपा आपने दिया, लिवोडोपा को हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिट कर रहा था,
आपने इसको इनहिबिट कर दिया कार्बिडोपा या बेंजराजेट से, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको इनहिबिट कर दिया, आपका लिवोडोपा का बच गया और लिवोडोपा कंसंट्रेशन यहां पे हमारा ज्यादा हो जाएगा। और अब जितना ज्यादा लिवोडोपा होगा ठीक है वो क्रॉस तो करेगा, लेकिन ये सीओएमटी भी उतना ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो ज्यादा मेटाबॉलिज्म लिवोडोपा का करने लगेगा। इसलिए हमको इस सीओएमटी को भी इनहिबिट करना है, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टोलकापोन एंड इंटेकापोन, ये दोनों ड्रग हम यहां यूज करेंगे, जिससे लिवोडोपा का कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा बचेगा और वो हमारा लिवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस करके सेंट्रली लेवल पे पहुंचेगी और अपना एंटी पार्किंसन इफेक्ट। सो ठीक, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग दैट इज अ सेलेक्टिव सीओएमटी इनहिबिटर। अभी हमने बात कर लिया सीओएमटी इनहिबिटर के बारे में, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, कौन सी आपकी सेलेक्टिव सीओएमटी इनहिबिटर है, इंटेकापोन, रोपिनिरोल, परगोलाइड एंड प्रेमिपिक्सोल। ध्यान दीजिएगा यहां पे सिर्फ इंटेकापोन आपकी सीओएमटी इनहिबिटर होती है, क्योंकि दो ही ड्रग है इंटेकापोन एंड टोलकापोन, इंटेकापोन टोलकापोन सीएमटी इनहिबिटर होती है। बाकी अगर हम बात करें यहां पे जो हमारी तीन अदर ड्रग है रोपिनिरोल, परगोलाइड एंड प्रेमिपिक्सोल, दीज ऑल आर द सेलेक्टिव डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं जबकि हमारे सीओएमटी इनहिबिटर नहीं होते। तो राइट ऑप्शंस क्या हुआ, ए इंटेकापोन इज द राइट ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हियर वी हैव व्हिच इज हेपेटोटॉक्सिक। आपको सिंपल बताना है इनमें से कौन सा हेपेटोटॉक्सिक है, इंटेकापोन, रोपिनिरोल, टोलकापोन एंड ट्राइहेक्सीफेनिडिल। ध्यान दीजिएगा हमने अभी बात किया सीओएमटी इनहिबिटर हमारी दो ड्रग होती है इंटेकापोन टोलकापोन, इंटेकापोन पेरिफेरली काम करती है, टोलकापोन हमारी सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों काम करती है, एज वेल एज दिस टोलकापोन हैव मोर पोटेंट बट हिपैटोटॉक्सिक। टोलकापोन हमारी क्या होती है, हिपैटोटॉक्सिक होती है। सो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, टोलकापोन इज द हिपैटोटॉक्सिक। रोपिनिरोल और की बात करें तो ये हमारा डोपामिन एगोनिस्ट है, ट्राइहेक्सीफेनिडिल की बात करें ट्राइहेक्सीफेनिडिल हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स होती है, वहां पे ऐसा कोई हिपैटोटॉक्सिक का रोल नहीं है। राइट ऑप्शन विल बी द सी टोलकापोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हियर वी हैव लिवोडोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, बिकॉज पार्किंसन के ट्रीटमेंट में लिवोडोपा और कार्बिडोपा क्यों साथ में दिया जाता है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शंस पे चलते हैं, टू इंक्रीज द डोज रिक्वायरमेंट ऑफ लिवोडोपा, लिवोडोपा के डोज रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज साइड इफेक्ट ऑफ द लिवोडोपा, लिवोडोपा के साइड इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द लिवोडोपा, लिवोडोपा के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करने के लिए, टू मेक मोर लिवोडोपा अवेलेबल टू क्रॉस द ट्रिपल बी। जी हां, हमने क्या बात किया, लिवोडोपा और कार्बिडोपा साथ में इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज लिवोडोपा पेरिफेरली मेटाबोलाइज बाय द एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज और वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज से एंजाइम ये हमारा लिवोडोपा मेटाबोलाइज होने के बाद ट्रिपल बी को क्रॉस कर डोपामिन नहीं कर पाती है। तो अब हमें क्या करना है, लिवोडोपा के मेटाबोलिज्म को रिड्यूस करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लिवोडोपा हमारा बचा रहे और वो हमारा ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाए। सो टू मेक मोर लिवोडोपा अवेलेबल इन अवेलेबल टू क्रॉस द ट्रिपल बी फॉर द एंटी पार्किंसन इफेक्ट। राइट ऑप्शन विल बी द डी, डी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसे ये हमारा होता है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होते कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर आर द कार्बिडोपा एंड बेंजराजेट, दो हमारी ड्रग है कार्बिडोपा एंड बेंजराजेट, दे आर द एक्स्ट्रा सेरेब्रल सेरेब्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, मतलब ये हमारे ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं एंड दे प्रिवेंट पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ द लिवोडोपा। पेरिफेरल इनहिबिट कर दिया जिससे मैक्सिमम लिवोडोपा अवेलेबल हो जाएगी एंड डू नॉट इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ लिवोडोपा टू डोपामिन इनटू द ब्रेन, क्योंकि ट्रिपल बी को क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं इसलिए डोपामिन कन्वर्जन लिवोडोपा से डोपामिन में कन्वर्जन ब्रेन में इनहिबिट नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द लिवोडोपा इंक्रीजेस टी हाफ इन पेरिफेरल, मतलब अगर हमने लिवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ में दे दिया तो ये कार्बिडोपा क्या करेगी, इसका खुद का कोई एक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा खुद का कोई एक्शन नहीं है, बट इट जस्ट ओनली इनहिबिट द डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसको इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है लिवोडोपा का अमाउंट बच जाता है और वो लिवोडोपा हमारा ट्रिपल बी को क्रॉस करके ज्यादा से ज्यादा ब्रेन में पहुंचता है और वो अपना एक्शंस शो करता है। सो मेक मोर पेरिफेरल अवेलेबल टू क्रॉस ट्रिपल बी एंड रीच द साइट ऑफ एक्शन, कैसे, इस डायग्राम से आप क्लियर करिएगा, यही पे सारा आंसर इसी डायग्राम पे छिपा हुआ है, हर बार आपको यही डायग्राम याद आएगा और ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिवोडोपा हमने दिया,
लिवोडोपा को एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिट कर रहा था और इसके इनहिबिशन की वजह से लिवोडोपा हमारा डोपामिन में कन्वर्ट हो जा रहा था। नाउ दिस डोपामिन विल कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी, तो हमको ये तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर ये चाहिए होता तो हम डायरेक्ट डोपामिन ही दे देते। क्यों हम लिवोडोपा देते? बिकॉज डोपामिन कैन नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी। अब हमको क्या करना है, इस जीडीसी एंजाइम को इनहिबिट करना है और इसके इनहिबिट करने के लिए हम क्या देंगे, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, दैट इज द कार्बिडोपा एंड बेंजोसिराज़िड, और इसको हम देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इनहिबिशन रुक जाएगा और लिवोडोपा हमारा ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगा जो ट्रिपल बी को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में जा सकता है और जाएगा और वहां पे अपना एक्शंस प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शंस बिहाइंड द व्हाई कार्बिडोपा इज गिवन विद द लिवोडोपा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिवोडोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन 2। अब आपने वहां पे पूरी मैकेनिज्म समझ लिया है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां पे भी वही बात है कि लिवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ में दिया गया, लेकिन क्यों? Decrease the efficacy of the levodopa, inhibit peripheral decarboxylations of the levodopa, increase the dose of levodopa required, or inhibit conversion of levodopa to dopamine into the CNS. क्या CNS में inhibit करती है? नहीं ना, means एक एक point लीजिए, decrease the efficacy of levodopa, जी नहीं, इसकी efficacy decrease करने से कोई role नहीं है. Inhibit the peripheral decarboxylation of the levodopa. जी हाँ, ये peripherally हमारा जो dopa decarboxylations हो जाता है, यानी dopa decarboxylase enzyme inhibit करके हमारा dopamine form कर देता है peripherally, उसी के लिए हम carbidopa देते हैं. So here this is the right option. बात वही है, केवल question में घुमाया क्या गया है, एक जगह आपसे पूछा गया mechanism, एक जगह आपसे पूछ लिया गया enzyme, answer वही है, लेकिन questions अलग अलग पूछे जा चुके हैं, इसलिए वो सारे questions को रखे गए यहाँ पे. Now the next we have question number 9. सेंट्रल इनहिबिटर ऑफ डोपामिन मेटाबॉलिज्म एज, कौन सी ड्रग है जो सेंट्रली डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है? ऑप्शंस, कार्बिडोपा, डीपेंड्रिन, ऑर्फेंड्रिन, ब्रोमोक्रिप्टिन. एक एक क्वेश्चन ऑप्शंस को लेके चलिए. कार्बिडोपा क्या है? पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, हटा दीजिए ऑप्शंस में, आपका सही हो ही नहीं सकता. डीपेंड्रिन, जी हाँ, डीपेंड्रिन एक्चुअली एक हमारी ब्रांड नेम होता है जिसके एक्टिव फॉर्म हमारा क्या होता है, सेलेजेलिन. हमारी इसमें कौन सी ड्रग होती है? सेलेजेलिन होती है, और सेलेजेलिन हमारी सेंट्रली एक्टिंग माओबी इनहिबिटर को इनहिबिट करती है, तो ये ऑप्शन हो सकता है. ऑर्फेंड्रिन हमारा क्या है? ऑर्फेंड्रिन हमारी H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होती है, उसका तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है. नेक्स्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन हमारा क्या है? एक डोपामिन एगोनिस्ट है, तो इसका भी रोल नहीं है. तो राइट ऑप्शंस क्या हुआ? डीपेंड्रिन. थोड़ा सा बात करते हैं माओबी इनहिबिटर के बारे में. सो माओबी एंजाइम मेनली प्रेजेंट इनटू द ब्रेन. माओ ए का रोल हमारा होगा कहां पे, जब हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. माओ बी का ये रोल हमारा होता है पार्किंसन में. ओके, माओ बी इनहिबिटर हमारी दो ड्रग होती है, सेलेजेलिन एंड रेसेजेलिन. दो ड्रग है सेलेजेलिन एंड रेसेजेलिन, दीज आर द माओ बी इनहिबिटर. सेलेजेलिन ऑल्सो नोन एज द डीपेंड्रिन और डीपेंड्रिन, दे सेलेक्टिवली एंड इररिवर्सिबली इनहिबिट माओ बी एंजाइम. ये सेलेक्टिवली और इररिवर्सिबली माओ बी एंजाइम को इनहिबिट करती है और ब्रेन में. दे डोंट इनहिबिट माओ ए इन द पेरीफेरी, वो माओ को पेरीफेरली में इनहिबिट नहीं करती है, केवल सेंट्रली ही काम करती है. दे रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जिससे क्या होता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स नहीं बनते हैं. प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा एंड डिक्रीज वियरिंग ऑफ इफेक्ट, जो हमारा ऑन ऑफ फिनोमेना होता है उसको भी इनहिबिट करती है. रेसेजेलिन इज 5 times मोर पोटेंट, लॉन्गर एक्टिंग देन सेलेजेलिन. तो ये हमारा कौन सी, माओ बी इनहिबिटर. थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार. हमारी बात हो गई सेंट्रली में लिवोडोपा हमारी आ गई, क्योंकि पेरिफेरली का माओ बी इनहिबिटर से कोई रोल ही नहीं है. अब ये लिवोडोपा हमारी कन्वर्ट हो गई बाय द एंजाइम डीडीसी एंजाइम द्वारा कन्वर्ट होकर बन गई क्या, डोपामिन बन गई. अब ये डोपामिन फर्दर हमारा दो एंजाइम लगेंगे, सीओएमटी एंड माओ बी. ये सीओएमटी एंजाइम जो हमारा होता है ये बनाता है क्या, 3-methyl COMT एंजाइम डोपामिन का मेटाबॉलिज्म करके बनाता है 3-methyl tyramine. क्या बनाएगा? 3-methyl tyramine. और ये फिर से माओ भी उसको 3-methyl tyramine हमारे लिए क्या होता है, एक्चुअली टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है. ओके, अब ये जो 3-methyl tyramine हमारा बना टॉक्सिक मेटाबोलाइट, उसको कन्वर्ट करके हमारा ये माओ भी बना देता है होमोवेनिलिक एसिड. क्या बना देता है? होमोवेनिलिक एसिड बना देता है, जो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होता है. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां गया. नेक्स्ट, हमारे डोपामिन को माओ भी खुद मेटाबॉलिज्म करके बनाता है क्या, डोपैक. हमारा ये डोपैक बनता है, यानी 3,4-dihydroxyphenylacetic acid हमारा बनता है, और इसको हमारा फर्दर COMT कन्वर्ट करके फिर से क्या बना देता है, होमोवेनिलिक एसिड बना देता है, जो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होता है. तो ये हमारा माओ बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है. अब इसी माओ बी को इनहिबिट करने के लिए हम क्या देते हैं, सेलेजेलिन एंड रेसेजेलिन देते हैं, जिससे डोपामिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा टी हाफ बढ़ जाता है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है इनसाइड द ब्रेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सेलेजिलिन इज कौन सा पॉइंट सेलेजिलिन के बारे में गलत है? ऑप्शंस, इट इज अ माओ ए इनहिबिटर, क्या ये माओ ए इनहिबिटर है? जी नहीं. डज नॉट कॉज चीज रिएक्शन, क्या ये चीज रिएक्शन कॉज नहीं करता है? मे बी यूज इन ऑन ऑफ फिनोमेना, इट इज यूज इन पार्किंसनिज्म, क्या ये पार्किंसन में यूज होता है? ओके, एक एक पॉइंट लीजिए. इट इज अ माओ ए इनहिबिटर, क्या ये माओ ए इनहिबिटर है? बिल्कुल नहीं है. अब माओ ए इनहिबिटर नहीं है तो चीज रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि माओ ए इनहिबिटर का रिएक्शन केवल और केवल चीज रिएक्शन के साथ माओ ए इनहिबिटर का है. क्लियर है? तो ये डज नॉट कॉज, जी हाँ ये डज नॉट कॉज रहेगा. मे बी यूज इन ऑन ऑफ फिनोमेना, जी हाँ ऑन ऑफ फिनोमेना हमारा यूज होती है और इसमें इसका एडवांटेज आता है. इट इज यूज इन पार्किंसनिज्म, जी हाँ पार्किंसन में यूज होती है. आपको मिल गया फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? माओ ए इनहिबिटर, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. सो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हियर वी हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ रोपिनिरोल एक्सेप्ट. रोपिनिरोल क्या है? पहले पॉइंट क्लियर कर लीजिए. रोपिनिरोल हमारी डोपामिन एगोनिस्ट है, जो सेंट्रली डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करती है. क्लियर? उसके बारे में साइड इफेक्ट की बात हो रही है कि सारे साइड इफेक्ट है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है. अब सेंट्रली काम कर रही है, क्या सेडिशन होगा, नाउजिया, रेट्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस, हैलोसिनेशंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ रोपिनिरोल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होगा? सेडिशन, जी हाँ होगा. नाउजिया होगा. रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, जी दिस इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ द रोपिनिरोल, ये रोपिनिरोल का साइड इफेक्ट नहीं है. तो क्या है साइड इफेक्ट, क्या होती है ये ड्रग, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. ओके, रोपिनिरोल एक्चुअली नॉन एर्गोट एल्कलॉइड्स होती है, नॉन एर्गोट डेरिवेटिव होती है. जैसे कि हमारी पर्गोलाइड जो ड्रग होती है, पर्गोलाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन, ध्यान दीजिएगा, पर्गोलाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन ये हमारी एर्गोट डेरिवेटिव होती है, डोपामिन एगोनिस्ट होती है. बट रोपिनिरोल इज नॉन एर्गोट डेरिवेटिव एंड दीज आर टू नॉन एर्गोलिन सेलेक्टिव एक्टिंग ऑन द D2 रिसेप्टर एंड D3 रिसेप्टर. दीज आर लॉन्ग एक्टिंग एंड नॉट कॉज द गैस गैंग्रीन, ये हमारी लॉन्ग एक्टिंग होती है, गैस गैंग्रीन कॉज नहीं करती है. These are first choice drug preferred over levodopa. अब आज की डेट पे ये हमारी प्रिफर्ड ड्रग बन चुकी है, ओवर द लिवोडोपा से भी अच्छी ड्रग मानी जाती है. रोपिनिरोल इज FDA अप्रूव्ड फॉर यूज इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए रोपिनिरोल इज द US FDA अप्रूव्ड ड्रग. डोपामिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द MAO एंड COMT. लेकिन इस ड्रग में ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा क्यों लिवोडोपा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अगर हम लिवोडोपा दे रहे हैं तो साथ में हमको COMT इनहिबिटर भी देना है, साथ में हमको डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर भी देना है, बट इसके साथ में कोई नहीं है. ये सर पॉइंट है, रोपिनिरोल हमारी डायरेक्ट जाएगी और सेंट्रली हमारे जो भी D2 और D3 रिसेप्टर्स हैं उनके साथ काम करके हमारे डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगी इन द नाइग्रोस्टेटल पाथवे. दैट्स व्हाई दिस इज द प्रिफर्ड ड्रग ओवर द लिवोडोपा. लेकिन इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट है, लाइक नाउजिया. क्यों? क्योंकि CTZ सेंटर पे काम करेगी. अब CTZ सेंटर पे काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नाउजिया एंड वॉमिटिंग तो होना ही है. डिजीनेस, हेलोसिनेशन एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन, दीज आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट. लेकिन आपको यहां पे कोई भी रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस नहीं ऑब्टेंड हो रही. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्रग ऑफ च्वाइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म इज. ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म के लिए ड्रग ऑफ च्वाइस कौन सी होती है? ऑप्शन हियर वी हैव लिवोडोपा, कार्बिडोपा, एमेंटाडिन, बेंजेक्सॉल. इनमें से हमारी ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो राइट ऑप्शन यहां पे हमारा होगा बेंजेक्सॉल. क्यों? जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कौन सी ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन हमारी कौन सी है, तो आपको आंसर देखना है केवल और केवल एक चीज देखना है, क्या? एंटी कोलिनर्जिक देखना है. क्योंकि ड्रग इंड्यूस्ड, अगर किसी ड्रग से हमारा पार्किंसन इंड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमारा कोई ना कोई डोपामिनर्जिक ड्रग रही होगी. जैसे आगे चल के जब हम साइकोसिस पढ़ेंगे तो साइकोसिस वाली ड्रग जो हमारी यूज होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग जो हमारी यूज होती है, उन सब में एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स. वो EPS सिस्टम हमारे EPS कहलाता है. और वो जब भी हम एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करेंगे तो वो पार्किंसन इंड्यूस करती है. और उस केस में हम डोपामिन वाली ड्रग यूज नहीं करेंगे. कौन सी यूज करेंगे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे, यानी बेंजेक्सॉल यूज करेंगे. ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा बच्चे. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बेंजेक्सॉल. थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. ड्रग इनहिबिटिंग ब्रेन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. तो ये हमारी वो ड्रग है जो अब कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगी. अभी तक जितनी ड्रग्स थी वो हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगी. क्लियर है?
So they act by the reducing increased cholinergic activity in the nigrostriatal pathway. Nigrostriatal pathway में ही ये हमारे cholinergic activity को reduce करेंगी. Centrally acting anticholinergic drug like benzhexol, that is also known as the trihexyphenidyl, procyclidine, benzotropine and bipyridine. These are the drug of choice for the drug-induced Parkinsonism. Drug-induced Parkinsonism के लिए ये हमारी drug of choice होती हैं. इस चीज़ ध्यान रखिए. Antihistaminic with anticholinergic effect like promethazine and orfandrin are also effective. ये effective होती हैं, लेकिन कभी भी आपसे drug of choice पूछा जाए, आपको केवल और केवल बच्चे एक ही चीज़ याद रखना है, anticholinergic drug. That centrally acting anticholinergic drug for the drug-induced Parkinsonism. Next question, question number 13. Which of the following anti-Parkinsonism drug has the potential to cause pulmonary fibrosis? कौन सी इसमें से drug ऐसी है जो pulmonary fibrosis cause करती है? Options here we have pramipexol, entacapone, bromocriptine and ropinirole. एक चीज ध्यान दीजिएगा, entacapone में ऐसा कोई adverse effect नहीं है, bromocriptine हमारी क्या होती है? Ergot derivative alkaloids होती हैं. Pramipexol, bromocriptine and ropinirole. These are the selective dopamine agonist होती हैं, dopamine receptors पे काम करती हैं और इनमें से जो pulmonary fibrosis cause करती है, that is the bromocriptine. Bromocriptine is the pulmonary fibrosis causing drug. थोड़ा सा बात करें, bromocriptine is the ergot derivative alkaloids होती हैं. Okay? Pulmonary fibrosis क्या होती है? It is a lung disease that occurs when lung tissue becomes damaged or scared. जब हमारे lungs tissues होते हैं वो damage हो जाते हैं या scared हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? Pulmonary fibrosis. क्यों? क्योंकि pulmonary fibrosis जो हमारी होती है वो उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी lungs की tissues होते हैं वो क्या होते हैं? Damage हो जाते हैं और scared हो जाते हैं. This thickened stiff tissue make it more difficult for your lungs to work properly. और जब ये damage हो गए तो हमारा lungs properly work नहीं कर पाएगा. In this picture you can see this. Here we have the healthy lungs and here we have lungs with the pulmonary fibrosis. Here we have the pulmonary fibrosis. यहाँ पे हमारे देखिए lungs क्या हो गए हैं, damage हो गए हैं. ये यहाँ पे देखिए आपको area of the fibrosis, जहाँ पे fibrosis है, here we have the damage area. अगर इसको हम zoom करके देखते हैं तो आपको ऐसे type से structure मिलेगा, लेकिन normal case में आपको यहाँ पे देखिए healthy lungs में आपको ये scene मिलेगा, that is the normal. तो इस वजह से patients को breathing में problem होती है. ओके okay, और ब्रोमोक्रिप्टिन दैट इज द इर्गोलिन डेरिवेटिव. इर्गोलिन डेरिवेटिव मींस एर्गोट डेरिवेटिव एंड डोपामिन एगोनिस्ट दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पार्किंसन डिजीज, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड टाइप 2 डायबिटीज. ये डिफरेंट हमारे डायबिटीज डिजीज हैं जहां पे हमारी ब्रोमोक्रिप्टिन यूज होती है. पल्मोनरी फाइब्रोसिस और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, जो केवल और केवल एर्गोट डेरिवेटिव एल्कलॉइड्स में होता है, नॉन एर्गोट डेरिवेटिव में नहीं होता है. हैज बीन रिपोर्टेड व्हेन ब्रोमोक्रिप्टिन वाज यूज्ड इन हाई डोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, और तभी होता है जब ये हाई डोज में यूज होती है. अदर साइड इफेक्ट्स आर हेलोसिनेशंस, हाइपोटेंशंस, नेजल स्टिफनेस एंड कंजंक्टिवाइटल इंजेक्शंस हमारे, दीज आर द डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन. ये आप देख सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन डायरेक्टली अपने डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करती है और मेनली डी2 रिसेप्टर्स पे काम करती है. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is ergot derivative? Ergot derivative कौन सी है? एक तो हमें क्लियर आता है bromocriptin, but here options levodopa, क्या ये है? नहीं. Ropinirole, pramipexol, pergolides. आपको इसमें से बताना है कौन सी इसमें से ड्रग है जो ergot derivative alkaloids है. और right options यहाँ पे हमारा क्या होगा? Pergolide. Bromocriptin and pergolides are the ergot derivative. आते हैं बात करते हैं dopamine receptor agonist. कौन कौन सी हो गई? Bromocriptin, pergolide, ropinirole and pramipexol. These drug have direct actions on the dopamine receptors, D1 as well as D2. Here, bromocriptin and pergolides, ये दो drug हमारी ऐसी होती हैं जो ergot derivative होती हैं, but ropinirole and pramipexol ये हमारी non-ergot derivative होती हैं. तो ergot derivative में दो हो गई, bromocriptin and pergolides, while ropinirole and pramipexol हमारी क्या हो गई? Non-ergot derivative हो गई. अब इससे क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, pergolide, it is an ergot derivative which used against the D2 receptor. ये D2 receptors पे काम करती हैं agonist के रूप में, but partial agonist and antagonist on the D1 receptors. इसका थोड़ा सा action अलग हो जाता है. D2 पे agonist है, but D1 पे या तो partial agonist है या antagonist का action produce करती हैं. Short acting and cause digitalis vasospasm, जो हमारा gas gangrene के नाम से आपको पढ़ा होगा, leading to the gas gangrene and erythromelalgia ये cause करती हैं. Longer term पे अगर इनको use किया जाए तो cardiac valvular defect होता है. Cardiac valvular defect क्या होता है? Cardiac valvular defect थोड़ा सा बात कर लेते हैं.
Cardiac valvular defect commonly refers to the excess depositions of the extracellular matrix in the cardiac muscles. जब cardiac muscles में extracellular हमारा matrix का depositions होने लगता है, excess deposition होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं cardiac valvular defect. जिससे हमारे जो valve होते हैं, cardiac valve होते हैं, वो properly effective नहीं होते. But the term may also refer to the abnormal thickening of the heart wall. Heart wall में abnormal thickening होती है due to inappropriate proliferations of the cardiac fibroblast. आप ये डायग्राम से थोड़ा क्लियर करिए. हियर वी हैव द एओर्टिक वॉल, हियर वी हैव द मिट्रल वॉल. दो हमारे होते हैं, एओर्टिक वॉल एंड मिट्रल वॉल. दिस इज द हेल्दी वॉल, बट व्हेन द एक्स्ट्रा डिपोजिशन देन इट विल लीड्स लाइक दिस. तो ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन यहां पे होने लगता है, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क, वॉल्व प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. हम जानते हैं एओर्टिक वॉल्व इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, वाइल मिट्रल वॉल्व इज द बाइकस्पिड वॉल्व हमारे होते हैं. तो ये दोनों का इफेक्ट हमने हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. क्लियर है. नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक वल्वर फाइब्रोसिस इज, कार्डियक वल्वर फाइब्रोसिस कौन सी ड्रग कॉज करती है. राइट ऑप्शन पे हमें तुरंत देखना है, लिवोडोपा, रोपिनिरोल, प्रेमिपेक्सोल, पर्गोलाइड एंड कैबरगोलिन. हियर द राइट ऑप्शन विल बी द डी. जी हाँ, पर्गोलाइड एंड कैबरगोलिन, ये दोनों ड्रग हमारी एर्गो डेरिवेटिव होती हैं और ये हमारे वॉल्व पे काम करती हैं एंड लीड्स टू द कार्डियक वल्वर फाइब्रोसिस. तो दीज आर द 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज. आई होप सो यू विल लाइक इट. थैंक यू.